रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई माफी नहीं, जलसी करे रोए पीटे या चीखे सजा तो मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी, जो कहता है कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया, वही NRO की दरख्वास्त दे रहा है। हमने कैद काटी मगर NRO की भीख नहीं मांगी। पीजी खान के अंदर जो बड़ा प्रोग्राम जो है वो उसका इनॉग्रेट CM साहिबा ने किया, वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम था और उसकी बैलेटिंग जो है वो DG खान से की गई। सो 185 खुशकिस्मत जो लोग थे उनको कुरानदाजी के ज़रिए जो है DG खान से वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हुए, जिनको अब जो है वो कर्ज़ा मिलेगा और वो अपना घर बना पाएंगे। गुर्बत के बाइस बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब ने DG खान के स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। हमसे पहले यहाँ एक वसीम अकरम प्लस नाम की शख्सियत मौजूद थी। DG खान के लोगों को उनसे कोई सहूलत नहीं मिली। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी का तंज, पोली न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ अपनी छत अपना घर प्रोग्राम भी शुरू किया गया। DG खान में प्रोग्राम के तहत 150 से ज्यादा खुश नसीबों के नाम निकले। माशरे के नज़रअंदाज तबकात की बुनियादी तालीम के लिए ज़रूरी वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। सूबे भर में स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम ख्वानदगी के मौके पर पैगाम, बोली 100% ख्वानदगी हासिल किए बगैर हम रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच भी नहीं सकते। तालीम तक रसाई आसान बनाने के लिए हुकूमत पंजाब तारीखी और इख्तराई इकदाम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबिता। लियाकत बलोच बोले, मुज़ाकरात मुआहदे पर अमल दरामद पर आगही देने मोहसिन नकवी और तातारर मंसूरा आएंगे। जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। हुकूमत IPP इस मुआहदों पर नजरसानी करे। बिजली के टैरिफ में कमी हमारे मुतालिबात हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से निसाबी कुतब में तब्दीली का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले तालीमी साल से नवी जमात के निसाबी कुतब में तब्दीली होगी। उर्दू, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुतब में तब्दीली की जाएगी। तालीमी साल 2025-26 के लिए किताबों में तब्दीली की जाएगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने निसाबी कुतब की तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान के समुद्री हदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया को सलाम, बोली पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र हैं। कौम पाक नेवी के जानबाजों के कारनामों को खिराज तहसीन पेश करती है। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के सरफरोशों की कुर्बानियों और गैर मामूली कारनामों की याद दिलाता है। 1965 और 1971 में पाक बहरिया ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। किंगकरण यादगार पर यौम दिफा के हवाले से पुरवकार तकरीब, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की यादगारी शहदा पर हाजिरी। पाक फौज के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोर कमांडर और दिगर नाम पर गाजियों ने यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। ये यादगारान शहदाए वतन और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बनाई गई, जिन्होंने रूही वॉल के मशहूर जवाबी हमले में दुश्मन के छक्के छुड़वा कर किंगकरण तक का इलाका फतह किया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तखार अली सोहू की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर आला पंजाब किसान पैकेज के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इफ्तखार अली सोहू कहते हैं, तहसील की सतह पर 134 किसान कार्ड फराहमी मराकज़ कायम हैं। किसान कार्ड की फराहमी का सिलसिला 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शहर की मंडियों में गिनाफरोशों का राज, सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 160, टमाटर 130, लहसुन 600, अदरक 700 रुपये किलो में फरोख्त। लीमू 700, बंद गोभी 200, फूल गोभी 130 रुपये की किलो हो गई। ब्रायलर गोश्त 2 रुपये इजाफे के बाद 572 रुपये किलो हो गया। अंडे 304 रुपये के दर्जन हो गए।
पीआईए इंतजामिया का 32,000 किलोग्राम चीनी खरीदारी का फैसला। चीनी पीआईए की परवाज़ों में मुसाफिरों के तवाज़ो के लिए इस्तेमाल होगी। चीनी खरीदने के लिए पीआईए इंतजामिया ने टेंडर्स जारी कर दिए। चीनी टेंडर्स के लिए तमाम कंपनियों को 5 किलो सैंपल जमा करवाने की हिदायत की गई। टेंडर्स में दिलचस्पी रखने वाले इदारे 18 सितम्बर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। ठेकेदारों को दरख्वास्तों के साथ 1,00,000 रुपये मालियत का पे ऑर्डर जमा करवाने की भी हिदायत। पुलिस अफसरान की चक्करबाजिया, सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को मुअत्तल ना किया गया। सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को मुअत्तल करने के लिए ऑर्डर बुक ना हुए और ना ही कोई रपट लिखी गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने टीफी भट्ट के भाई असर गुलशन के तहफ़ुज़ात दूर करने के लिए शकील भट्ट को मुअत्तल करने की यकीन दहानी करवाई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने असर गुलशन को गिरफ्तार किया था। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक दमयाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सदर व इकबाल टाउन दबियन की कारकर्दगी, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी समेत दीगर पेशावराना उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक दमयाना का कहना है, पुलिस अफसरान 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात के मुंतजमीन से मुसलसल राबते में हैं। पुलिस मुलाजमन की मुलाजमत से मुतलिका उमूर को तेज़ रफ्तारी से निपटाया जाए, मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। संगीन वारदातों और स्ट्रीट क्राइम की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के कॉल्स में बासे कमी। आईजी पंजाब का कहना है, जनवरी से अगस्त के दरमियान गुजश्ता साल के निस्बत 10% कमी रिकॉर्ड की गई। गाड़ियां छीनने की वारदातों के कॉल्स में 20% कमी देखी गई। कारें चोरी की वारदातों में 23% कमी हुई। गवर्नर हाउस में ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी शिरकत। मारूफ नातख्वां शहबाज कमर फरीदी और अहमद अली हाकिम ने नजराने अकीदत पेश किया। महफिल मिलाद में मुकर्रीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। महफिल में 13 खुशकिस्मत अफराद ने उम्र की टिकट बजरिया कुरानदाजी तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब बोले, आइंदा भी गवर्नर हाउस में इसी तरह की महफिलें सजाते रहेंगे। लाहौर चैम्बर के इंतखाबी मार्के की तैयारियां, पे ऑफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के एजाज में कॉरपोरेट क्लास की इंतखाबी तकरीब। दारोगा वाला इंडस्ट्रियल ऑनर्स एसोसिएशन ने हिमायत का ऐलान कर दिया। कॉरपोरेट उम्मीदवार तनवीर अहमद शेख ने वोटर्स की कसीर तादाद को अपनी कामयाबी करार दिया। पीसी होटल में जमीन डॉट कॉम की जानिब से शानदार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद। पार्क डायमंड विस्टा की लॉन्चिंग शहरियों की तवज्जो का मरकज रही। शुरका ने जमीन डॉट कॉम के नए मंसूबों को खूब सराहा। जमीन डॉट कॉम की जानिब से एक नए तामीराती मंसूबे की लॉन्चिंग तकरीब भी मुनक्किद हुई। और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और निजी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान एमओयू पर दस्तखत। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ व न्याज स्कॉलरशिप स्कीम से पंजाब के 30,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक तलबा तालिबात को 7 अरब रुपये की स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। मुस्तहिक तलबा की स्क्रूटनी यूनिवर्सिटीज़ करेगी।